अभी हस्बैंड जी आ गए हैं सामान लेकर के। कुछ सामान मंगाना था राशन का, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, शॉपिंग करना है। और आप लोग को पता है, आप लोगों को कैसे पता होगा, मैंने बताया ही नहीं। तो हम बहुत जल्दी अपने ससुराल जाने वाले हैं। आप लोग को अपना ससुराल ब्लॉग कभी नहीं दिखाया, मतलब अपना ससुराल का कभी नहीं दिखाया है। इस बार हम अपने ससुराल को भी दिखाएंगे। एक सप्ताह वहां रुकने वाले हैं, तो एक सप्ताह मेरे ससुराल का ही ब्लॉग आएगा। और वहां पे है दो दो शादी। तो यहाँ पे देखिए, हम आ चुके हैं मार्केट, और जिस शॉपिंग के लिए आए थे तो ये वो दुकान है। तो यहाँ पे हम साड़ी के लिए आए थे, साड़ी ले लिए हैं और एक टॉवल भी लिए हैं। और उसके बाद जो है हम ब्लाउज का, ये देख रहे होंगे आप लोग, तो ये ब्लाउज पीस का है कपड़ा। तो इसमें से हम ब्लाउज थान में से ब्लाउज का पीस कटवा करके ले रहे हैं। तो ये प्रिंटेड है, एक प्रिंटेड भी लिए हैं ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन कलर में, मतलब चार पीस लिए हैं ब्लाउज का। कैसे है जाम? आधा किलो पचास। और वहाँ से निकले तो सोचे कि जामुन भी ले लेते हैं, अभी जामुन का सीजन है। तो अभी जामुन खाने में बहुत अच्छा लगता है, और हम मेरे फैमिली में ना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है जामुन, मेरे बच्चों को भी और हस्बैंड जी को भी। सदूरा जामुन में फर्क है, जामुन दे दिए और उनसे लास्ट में सारा ही जामुन दे दिए हैं उनका। पहले तो 1 kg लिए, फिर 3 पाव के आसपास होगा, 750 ग्राम, तो वो भी 50 रुपये में है। और लेना है तो अच्छा है, जामुन चार दिन पाँच दिन चलेगा। क्या 50 में दे रहे हैं उसको? क्या रुपए हुआ? यहाँ पे जामुन में नमक डाल के रख दिए हैं, ये थोड़ा देर घुलेगा नमक में तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम बना रहे हैं चाय, अभी चाय पियेंगे। और यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिए हैं, और बेटे का फरमाइश है कस्टर्ड का। यहाँ पे वहाँ मार्केट में नहीं मिला तो फिर से मंगवाया है अपने पापा से कस्टर्ड पाउडर। अभी गए थे हम लोग शॉपिंग करने, तो वहाँ से फिर लेकर के आए हैं। और चाय में खाने के लिए मंगवाए हैं टोस्ट। हाँ, ये राशन का कुछ सामान आया है, और ये है चूरा, कतरनी चूरा, ये सब खाता है। और ये है मखाना। तो यहाँ पे ये खुला वाला जो मखाना होता है ना, ये अच्छा होता है, मतलब इसका साइज बराबर भी है, और पैकेट में भी जो रहता है वो भी अच्छा होता है। लेकिन किसी किसी पैकेट में क्या होता है, ऊपर में तो बराबर दे देता है, और जब नीचे फाड़ने पे ना बहुत छोटा छोटा निकलता है, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। और इसका साइज बड़ा है, तो हम लोग घी में इसको भून के थोड़ा सा नमक डाल के चाय के साथ खाते हैं, तो बहुत टेस्टी भी लगता है, और उसका खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग के साथ रेसिपी भी इसका डाले हुए हैं, और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। और जिसको कमर दर्द या घुटने दर्द, मतलब उसका प्रॉब्लम हो जो रोगे दर्द का, तो उसके लिए ये मखाना जो है बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग इसको मतलब खाइए, इससे जो दर्द वाली शिकायत होती है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे राशन का कुछ सामान हम हस्बैंड जी से मंगवाए थे, दाल सब था, चना था, तो वो सब हम मंगवाए थे, वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हस्बैंड जी ले करके आए हैं, तो ये हम आप लोग को दिखा रहे हैं। आ गया है हम लोग का चाय और नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता। रात में 7:30 बज रहा है, इस टाइम क्या नाश्ता करेंगे। ये चाय और टोस्ट है, जिसको रस्क भी बोला जाता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में चाय के साथ। और हस्बैंड जी को देखिए, लैपटॉप में काम करने से फुर्सत ही नहीं होता, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे सबका जो फरमाइश था कस्टर्ड बनाने का, मम्मी कस्टर्ड एप्पल बनाइए, कितना दिन से बोल रहा था, लेकिन हम ही टाल रहे थे, क्योंकि आम भी मतलब इधर ख़त्म हो गया था। तो फिर आज ही जो है आम भिजवाई है मम्मी, और दूध भी भिजवाई थी साथ में, तो दूध भी ज़्यादा था और आम भी था, तो सोचे कि आज बना देते हैं। तो लेकिन कस्टर्ड पाउडर नहीं था, तो जब राशन के सामान में लेने के लिए गए तो वहाँ पे उनके पास नहीं होगा, तो वो नहीं दिए, तो फिर बच्चा सब दुखी हो गया। तो फिर जब मार्केट गए अभी शॉपिंग करने, तो उधर से लेते हुए आए हैं, तो
तभी सोचे कि चलो बना ही देते हैं सभी के लिए कस्टर्ड ही। तो यहाँ पे देखिए हम कस्टर्ड दूध में उबाला गया, उसमें चीनी हम डाल दिए हैं और यहाँ पे 4-5 चम्मच हम कस्टर्ड डाल के बस अंदाजे से ही बना रहे हैं। तो कस्टर्ड डाल के इसको पहले इसमें मिक्स कर लेंगे कटोरी में, फिर दूध में मिक्स करेंगे। तो कस्टर्ड का भी रेसिपी है मेरे चैनल पे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कस्टर्ड बन चुका है। कस्टर्ड मिक्स करने के बाद 4-5 मिनट इसको पकाना पड़ता है, तो हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं किए हैं। और यहाँ पे जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम आम छील लेते हैं। तो ये है बम्बई आम, ये बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो कस्टर्ड में क्या है, जैसे ग्रेप्स सब डालिए, अंगूर सब डालिए ना, तो वो थोड़ा खट्टा भी हो, क्योंकि कस्टर्ड तो मीठा होता है, उसमें चीनी डाला हुआ है, और अंगूर जो होता है थोड़ा खट्टा होता है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये आम डाल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी देखिए हम आम को छील रहे हैं और फिर इसको कट करेंगे क्यूब में। तो देखिए इसको सबसे आसान तरीका है, इसे बीच से चीरा लगा लीजिए और इस तरीके से काटिए। तो कस्टर्ड देख के किनको किनको मुंह में पानी आ रहा है, जिनको भी आ रहा है सभी आ जाइए खाने के लिए, आप सभी के लिए भी है। और देखने में जितना टेस्टी है उससे ज्यादा ये खाने में भी टेस्टी है। आप लोग के लिए इतना टेस्टी टेस्टी सामान बना के लाए हैं रेसिपी। लाइट कौन बंद किया है? बस हो गया, सारा लाइट बंद हो गया। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए हम लोग के साथ। मैंगो कस्टर्ड, मैंगो आइली आप लोग के लिए। क्या है पेस्ट है, आप लोग के पेस्ट करते हैं मैंगो वेनिला कस्टर्ड। चलिए आप लोग बैठिए नीचे, सभी को देते हैं, तब हस्बैंड जी बताएंगे कैसा लगा। आपका स्वाद इतना अच्छा है और कस्टर्ड का मीठा है। ये आम भी बहुत ज्यादा मीठा है क्योंकि ये बम्बई है। और ये बना है मम्मी के दूध और मम्मी के आम से। क्या ये दूध भी मम्मी ही भिजवाई थी, तो इसलिए हम लोग बनाए हैं। और ये मैंगो भी मम्मी के घर से आया हुआ है, आज ही आया है। यहाँ पे देखिए कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड बच्चे सबके फरमाइश पे था। हाँ, और ये खाने में लगेगा बहुत ज्यादा टेस्टी। और इस सीजन का ये पहला मैंगो कस्टर्ड बना हुआ है। ठीक है, तुम सबको कैसा लगा? बहुत टेस्टी है। इतना अच्छा आइसक्रीम खिलाने के लिए मुझे क्या मिलेगा? देगा मुझे ग्रीन कलर का साड़ी, तो बोला ना मम्मी आप ग्रीन कलर का साड़ी क्यों नहीं लिए? देगा मुझे ग्रीन कलर का साड़ी। और पापा जी क्या देंगे मुझे बर्थडे पे? मेरा बर्थडे आने वाला है, देखते हैं इस बार हस्बैंड जी अपने मन से क्या देते हैं। पार्टी तो बनती है, गिफ्ट में क्या मिलेगा? लेकिन इस बार अच्छा से चलिए ये सब खा करके खत्म करने वाले हैं, तो हम भी खा लेते हैं, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कैसा बना है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये सब बहुत ज्यादा पसंद है, आइसक्रीम की तरह लग रहा है, लग भी रहा होगा क्योंकि ये कस्टर्ड है जो बिल्कुल आइसक्रीम, ऐसे ही आइसक्रीम भी जमाया जाता है। इसको फ्रिज में नहीं रखे हैं ज्यादा ठंडा करने के लिए, बस नॉर्मल है रूम टेम्परेचर पे। तो आज का ब्लॉग यही था, आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ये सब खाने में लगे हुए सभी, बाय बाय।